तो स्टूडेंट, आपको आज जो पढ़ना है उसका नाम है मनुष्यों में श्वसन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का कहने का मतलब है कि मनुष्य में श्वसन क्या होता है। तो पहले आपको डिफिनीशन जाननी होगी कि श्वसन किसे कहते हैं। देखिए, जब ऑक्सीजन कोशिकाओं में भोजन के साथ सहयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसका उपयोग शरीर द्वारा किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। तो आपको हमने बता दिया था कि जो सभी पोषक तत्व हैं वह पाचन के दौरान क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं छोटी आंत में। और छोटी आंत में जो होती हैं छोटी छोटी बहुत पतली पतली वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं जो विलाई के रूप में होती हैं, क्षुधात्र में पाई जाती हैं। और जो ये क्षुधात्र में पाई जाती हैं, मतलब छोटी आंत में पाई जाती हैं, उंगली जैसी जो संरचनाएं होती हैं उसी में ब्लड वेसल्स होती हैं। अब देखिए, जब वहाँ पे पोषक तत्व एब्जॉर्ब हो गया और वह चला गया अब किस में, नसों के द्वारा अब ब्लड में सर्कुलेशन होने लगा। अब वह ब्लड क्या करेगा, सभी पोषक तत्वों को, खाद्य पदार्थ को शरीर के अन्य कोशिकाओं में पहुंचा देगा। जब शरीर के अन्य कोशिकाओं में पहुंचा देगा तो वहीं वहाँ पर उसकी एनर्जी में बदलने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन तो आपके शरीर में रहेगी नहीं पहले से, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, श्वसन क्रिया करना पड़ेगा। और श्वसन क्रिया कैसे होती है आपको इसकी प्रोसेस जानना पड़ेगा। देखिए, जो ऑक्सीजन होती है यह कैसे पहुंचती है, सबसे पहले जो हमारा नासिका होती है जिसे बोलते हैं नाक तथा गला। देखिए, नाक तथा गला से जब हम वायु को अंदर खींचते हैं तो जिसे हम बोलते हैं नाथून, तो जब खींचते हैं तो अगर सर्दी है ठंडी है तो जो वायु आएगी वह ठंडी रहती है। जब वो ठंडी वायु हमारे नाक में एंट्री करती है तो जो हमारे नाक में नसें होती हैं और रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वहीं पर क्या होता है कि उसको रुधिर के पास, जैसे ही रुधिर गर्म होता है उसके पास आते ही जो वायु आती है वह गर्म हो जाती है। और नसिका में एक श्लेष्मा पाया जाता है जो नमी उत्पन्न कर देता है और वायु जो रहती है नम हो जाती है। और अंत में क्या होता है कि नसिका में जो नाक है उसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे घने बाल पाए जाते हैं। और यह जो क्या करते हैं, वायु में उपस्थित जो धूल कण होते हैं, कीटाणु होते हैं, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं, वह बाल उनको आने से रोकता है। जो धूल कण होते हैं वह बाल पर चिपक जाएंगे, बैक्टीरिया जो है चिपक जाएंगे और वह आपके शरीर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारे नाक से वायु गुजरती होकर के तो वायु क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह में बाल नहीं होगा और धूल के कण बैक्टीरिया सब डायरेक्ट आपके फेफड़े में पहुंच जाएंगे। तो कभी कभी आप देखते हैं जब वो धूल के कण या बैक्टीरिया आपके नाक में पहुंच जाता है तो, और वो वहीं पर रह जाता है तो आपको छींक आती है, क्योंकि वह बैक्टीरिया धूल के कण नाक में हलचल उत्पन्न करते हैं थोड़ा, जिससे क्या होता है, छींक आती है। अब देखिए क्या होता है, जब यह शुद्ध वायु, आर्द्र वायु गले से होकर के, ग्रसनी से होकर के किसमें गुजर होती है, वायु नलिका से होते हुए अब श्वसन तंत्र के अंदर तक जाती है और यह पहुंचती है श्वास नाल और श्वसनी में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया
एंड ब्रोंकाई। तो जब हम सांस लेते हैं तो यह जो वायु है यह क्या करती है, श्वास नाल मतलब ट्रैकिया से होते हुए यह कहाँ पहुँच जाती है, श्वसनी में पहुँच जाती है, ब्रोंकस में पहुँच जाती है। लेकिन जो ब्रोंकस होती है दो भागों में बटी रहती है, एक जो होती है बाएं जो होती है और एक दाएं साइड, क्योंकि जो श्वसनी होती है दोनों फेफड़ों के अंदर जाती है लेके, तो एक फेफड़े में श्वसनी है तो दूसरे वाले में भी क्या रहेगा, श्वसनी रहेगी। फेफड़े को हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस भी बोलते हैं, लंग्स भी बोलते हैं। आगे जाकर जो श्वसनी है ये छोटे छोटे महीन भागों में बढ़ जाएगी और उन्हीं महीन भागों में गुब्बारे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं वायुकोश, और इन्हीं वायुकोश को हम बोलते हैं एल्वियोली। अब देखिए जो एल्वियोली है इसमें आपकी क्या पहुंच गई, ऑक्सीजन पहुंच गई। जो ऑक्सीजन पहुंच गई तो इसी में जो छोटी शाखा होती है श्वसनी की उसी में जो है जो ब्लड वेसल्स होती हैं एल्वियोली में वायुकोश में पाई जाती हैं, और ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं इसी में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जब ऑक्सीजन का अवशोषण हो जाता है तो वह वायुकोश से ऑक्सीजन क्या करती हैं, केशिका में प्रवाहित होकर ब्लड में मिल जाती हैं वायुकोश से होकर। इसी दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ब्लड से निकल करके कहाँ चली जाती है, वायुकोश में, और वायुकोश क्या करता है निःश्वास के द्वारा मतलब जो सांस छोड़ते हैं उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा फेफड़ा क्या करता है, नाक द्वारा बाहर कर देता है। तो ये आपका हो गया क्या, श्वसन। देखिए ये आसान भाषा में समझने का तरीका है जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो ये हो गया, अब आपको ऑक्सीजन क्या हो गई, आपके ब्लड में पहुंच गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आया, तो इसे ही बोलते हैं श्वसन क्रिया। देखिए इंग्लिश वर्ड में क्या होता है, नसल पैसेज होता है, ओरल कैविटी होती है। देखिए जो फेरिंग्स है वहाँ से होते हुए कहाँ आया, ट्रेकिया में आया। ट्रेकिया में आने के बाद ब्रोंकाई जो है वहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो चुका है क्योंकि दो लंग्स हैं इस साइड राइट एंड लेफ्ट, और उसी के नीचे हार्ट है, और जो हमको लंग्स जो सुरक्षित है किसके कारण, रिब्स के कारण, जो पसलियाँ हैं। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन का, ठीक है। बाकी आप देखेंगे थोड़ा, देखिए मेढक का देखना है, फ्रॉग का देखना है, देखिए लंग्स इनका कहाँ है, ऊपर है, गट है। इसी तरह देखिए इसे हम बोलते हैं एम्फीबिया। कुछ जो चीज़ें होती हैं जैसे देखिए ये है आपका एयर फ्लो इन मैमल्स लंग, जो मैमल्स होते हैं देखिए इसमें कैसे लंग्स होता है। ये देखिए आपकी बर्ड है, चिड़िया है कोई, इसको देखिए आप ये एयर सैक्स रखते हैं, मतलब कि इनके जो होते हैं हवा के थैले होते हैं उसमें हवा भर देते हैं तो ये हल्के हो जाते हैं जिससे उड़ने लगते हैं। और इनके जो लंग्स होते हैं वो पैरा ब्रोंकाई कंटेन करते हैं देखिए, और ब्रोंकस भी होता है इनमें, ट्रेकिया भी पाई जाती है, एयर स्पेस जो होता है इनकी हड्डियों में पाया जाता है। तो इस तरह ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी देखने में, क्योंकि अगर वीडियो आप कभी हम लोड करेंगे तो आपको दिख जाएगी।